तो भारतीय दखा इरफान खान जिंदगी की बाजी हार गए, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी। अदनान भाई, आपने उनके साथ 2007 में एक हॉलीवुड की फिल्म अ माइटी हार्ट में काम किया था, कैसा तजर्बा रहा आपका उनके साथ? बहुत बड़ा लॉस है जी, बहुत बड़ा लॉस इंसानियत का, आर्ट का, दोस्ती का। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2007 में मैंने उनके साथ फिल्म की और उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था सिर्फ एक उनकी एक प्रैक्टिस से कि वो एक सीन में जो उस वक्त कोई डायलॉग भी नहीं था, सिर्फ एक एंट्री थी, उसके अंदर वो इतनी मेहनत कर रहे थे, तो उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि कितने बड़े एक्टर। और एक बड़े एक्टर की एक और जो बड़ी निशानी ये है कि कुछ उर्दू के अल्फाज वो मालूम करना चाह रहे थे, जिसकी अदायगी क्या होगी। तो इतने बड़े एक्टर होने के बाद ये भी शर्म कि यार मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ और ये मैं पूछ रहा हूँ, तो वो भी, तो ये एक लगन होती है बड़े एक्टर की चीजें आगे सीखने की भी। एंड देन फिर आखिरी बार जो मेरी उनसे मुलाकात हुई वो लंदन में हुई थी, एंड उन्होंने वैसे किसी से मिल नहीं रहे थे, वो मिले और बहुत ही पुरउम्मीद थे, बहुत ही पुरउम्मीद के वो इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएंगे और वो इंशाल्लाह वापस उसी बढ़ावे के साथ, उसी अदाकारी के साथ दोबारा आएंगे इंडस्ट्री। अच्छा अदनान, जैसे कि आप बता रहे कि आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक था, बाकी पाकिस्तानी फनकारों के साथ कैसी दोस्ती थी उनकी? आई थिंक एक तो बहुत बड़े एक तो अदाकार और ऊपर से बहुत उमदा दोस्त, एंड उसको पता था कि मैं और साजिद हसन भी उसको उस दौर में 2007 में थे, उनसे भी उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो अक्सर गाय बगाए वो फोन करना, बात करना और फिर बात करके अपने हालात बताना, हमारे बारे में पूछना। बाज़ औक़ात साजिद का जब नंबर नहीं मिलता था, कहते हैं वो साजिद भाई से कहें मुझे फ़ोन करें, मैं उनको बड़ा मिस कर रहा हूँ। एंड बड़ी दोस्ती हो गई थी, साजिद से तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी उनकी।